कई बार हस्बैंड की गर्लफ्रेंड होती है या फिर हस्बैंड जो है वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होता है, और जो वाइफ है वो कई बार 498A की FIR जब रजिस्टर करवाती है तो उसमें हस्बैंड का नाम लिखवाती है, हस्बैंड के परिवार वालों का नाम लिखवाती है, और बहुत बार उस लिव इन पार्टनर या फिर उस गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखवा देती है कि ये भी मेरे ऊपर क्रिमिनलिटी कर रहे थे और साथ में इन्होंने मुझसे दहेज की डिमांड की। और पुलिस वाले जब FIR रजिस्टर करते हैं तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें किस किस का नाम है ना। तो क्वेश्चन इज, क्या वाइफ अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड या फिर लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट 498A में FIR रजिस्टर करवा सकती है या नहीं करवा सकती है? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज 498A का बेसिक इंग्रेडिएंट जो है दैट इज द क्रुएलिटी मस्ट बी डन बाय द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, और जो गर्लफ्रेंड है या लिव इन पार्टनर जो है वो हस्बैंड की रिलेटिव नहीं होती है। तो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड या फिर उसके लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट 498A में FIR नहीं हो सकती। और बाई चांस इस तरह की कोई FIR हो जाती है तो वो गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर अपने अगेंस्ट उस FIR को क्वैश करवा सकती है। इससे रिलेटेड एक केस है केरला हाईकोर्ट का, चांदनी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, अच्छा केस है, पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है।